दोस्तों आईपीएल 2024 के समाप्त होने के बाद बीसीसीआई सेलेक्टर्स की माथा ठनकने वाली है, क्योंकि आईपीएल के ठीक बाद टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने अभी तक अपनी टीम का अनाउंसमेंट नहीं किया है और अभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि आईपीएल के एंड में टीम का अनाउंसमेंट होना है, जिसके बाद बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर्स की माथा ठनकने वाली है, क्योंकि आईपीएल 2024 में हमें ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं जिनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए इग्नोर करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। पहले हमें देखने को मिला दिनेश कार्तिक का ताबड़तोड़ फिनिश, और अब हमें देखने को मिल रहा है शिवम दुबे की अटैकिंग। शिवम दुबे ने कल के मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसको देखने के बाद यह साफ साबित हो गया कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए शिवम दुबे अपनी मौजूदगी बीसीसीआई सेलेक्टर्स को करवा रहे हैं कि वो भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक प्रबल दावेदार है। वहीं हमने पिछले मैच में देखा दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी और एक टॉप लेवल की फिनिशिंग आरसीबी टीम को दी थी, जिसके कारण वो भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और इन सभी को कोई भी चीफ सेलेक्टर्स इग्नोर नहीं कर सकेगा, खासकर टी20 फॉर्मेट में। शिवम दुबे की बल्लेबाजी देखने के बाद हम सबको पता चल गया कि शिवम दुबे टी20 वर्ल्ड कप में होने चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट में हमें अगर कोई भी तेज ऑलराउंडर हमको देखने को मिल रहा है तो वो है शिवम दुबे, और शिवम दुबे क्या ही खेल रहे हैं। शिवम दुबे ने कल गुजरात टाइटंस का सभी गेंदबाजों को लपेट लिया। कल आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से क्या ही बल्लेबाजी देखने को मिली, चाहे वो रचिन रविंद्र रहे, ऋतुराज गायकवाड़ रहे, शिवम दुबे रहे या फिर समीर रिजवी रहे, सभी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिया। वहीं गुजरात के एक भी गेंदबाजों को सीएसके के बल्लेबाजों ने नहीं बख्शा। ऋतुराज गायकवाड़ ने कल 46 रनों की पारी खेली, तो वहीं रचिन रविंद्र ने भी कल 46 रनों की पारी खेली। फर्क बस इतना था कि रचिन रविंद्र ने 20 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 गेंदों में। रचिन रविंद्र जो कि वर्ल्ड कप के बाद सीधा हमें आईपीएल में नजर आ रहे हैं, और क्या ही नजर आ रहे हैं। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की वो जमकर धुनाई करते हुए कल हमें नजर आए। उन्होंने आते ही राशिद खान हो, उमेश यादव हो या कोई और गेंदबाज हो, सभी को आड़े हाथों लिया और स्टेडियम के बाहर के दर्शन करवाने चालू कर दिए। वहीं बची खुशी कसर शिवम दुबे ने पूरी करी। उन्होंने राशिद खान से गेंदबाज को आड़े हाथों लिया और स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर कटवा दिए। वहीं कल के मैच में जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा वो लगा समीर रिजवी का डेब्यू। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 6 के साथ शुरुआत करी, वो भी राशिद खान के अगेंस्ट, और वो भी उन्होंने 2 छक्के जड़ दिए। समीर रिजवी की बल्लेबाजी देखने के बाद हमें साफ साबित हो गया कि सीएसके के खून में कुछ ऐसा है कि सीएसके में जाने के बाद हरेक प्लेयर्स का परफॉर्मेंस हाई लेवल पे पहुंच जाता है। हमने पिछले साल देखा जिनके रहने का परफॉर्मेंस, इस साल हमें शिवम दुबे का भी देखने को मिल रहा है। हालांकि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस पिछले साल से ही शानदार फॉर्म में है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई ऐसे इनिंग्स खेल दिए जिसको सीएसके के फैंस और क्रिकेट फैंस को भूल पाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि शिवम दुबे खड़े खड़े इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं जिसको देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठते हैं। सीएसके का फैंस अभी भी दुखी है, क्योंकि वो शिवम दुबे की बल्लेबाजी नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखने के लिए मैदान पर आते हैं, और कल उनको महेंद्र सिंह धोनी का बल्लेबाजी तो नहीं देखने को मिला, लेकिन उनका एक कैच जो कि उन्होंने क्या ही शानदार डाइव लगा कर ली, जिसको देख रहे सोशल मीडिया पे बस महेंद्र सिंह धोनी के कैच के ही चर्चे हो रहे हैं। शिवम दुबे ने क्या करा, ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या करा, रचिन रविंद्र ने क्या करा, सब कुछ फैंस भूल गए, लेकिन उन्हें बस याद है तो महेंद्र सिंह धोनी का वो डाइव। वहीं अगर कल की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ के नाम 46 रन रहे, वहीं रचिन रविंद्र के नाम भी 46 रन रहे, और शिवम दुबे के नाम करीब 51 रन रहे, और शिवम दुबे ने कल 5 आसमानी छक्के जड़े, और छक्के भी इतने लंबे लंबे की गेंदबाज देखने के बाद सदमे में आ जाते थे। वहीं अगर अपोजिशन टीम की गेंदबाजी की बात करें तो राशिद खान जैसे गेंदबाज को कल 49 रन पड़े हैं 4 ओवर में। अब सोचने वाली बात है कि जब राशिद खान को 49 रन पड़ सकते हैं तो बाकी गेंदबाजों का क्या हाल हुआ होगा और सीएसके ने किस लेवल की बल्लेबाजी करी होगी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से कोई भी बल्लेबाज टिकने में नाकामयाब रहा, कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे समय बिता ही नहीं पाया, और गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी देखने के बाद लग ही नहीं रहा था कि वो चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के लिए खेल रहे हैं, वो बस ऐसा लग रहा था कि 20 ओवर काटने के लिए मैच खेल रहे हो। वहीं गुजरात टाइटंस के टॉप स्कोरर है साई सुदर्शन, जिन्होंने 37 रनों की पारी खेली। वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजों की बात करें तो तुषार पांडे को कल 2 विकेट मिला, उन्होंने 4 ओवर में 21 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किया। वहीं दीपक चहर ने भी कल 2 विकेट अपने नाम किया, उन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेट लिए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान ने भी कल अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच को 63 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही और पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर पहुंच गए। दोस्तों आप चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस में से कौन सी टीम को प्लेऑफ में देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।